Hi everyone, good evening and welcome to Literature Lovers Vidya Kes Rajveer. I hope so आप सभी को audio and video clear होगा. तो चलिए एक बार बस confirm कर दीजिएगा कि audio and video clear है और इसके बाद हम लोग इस session को शुरू कर सकते हैं. So let's begin the session. Good evening everyone and welcome. So देखिए आज के लिए मैंने जो choose किया है वो है आपकी unit third. क्योंकि आपका यूजी सीनेट एग्जाम बिल्कुल नजदीक है एंड दैट्स व्हाई गाइस मैंने सोचा है कि मैं आपको यूजी सीनेट एग्जाम तक थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट एटलीस्ट रिवीजन मैं आपको देता चलूं. और ये रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल. तो इसीलिए मेरे साथ स्टे ट्यून रहिए एंड कीप ऑन लर्निंग. और हाँ, आपका एग्जाम अभी डेट नहीं आई कि कौन से वाले डेट में है, बट 20 to 30 के बीच में है. लेकिन अभी फिलहाल में 24 तक शायद या 22 तक के लिए आ चुका है, नोटिफिकेशन नहीं है, है ना. सो लेट्स बिगिन गाइस और शुरू करते हैं आज की क्लास को. चलिए बिना किसी डिले के, बिना किसी एक ब्रेक के, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन गाइस आपके लिए ये है कि अगर आप यूजी सीनेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आप मेरी फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर भी देख पाएंगे. 6 PM एवरी डे ऑन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप. आपको ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और वहां पर आप 6 PM एब्सोल्युटली मेरी फ्री क्लास देख सकते हैं जिसका कोई चार्ज अप्लीकेबल नहीं है. एवरी डे मैं लेता हूं रिवीजन पर्पस फॉर ऑल द यूजी सेनेट एस्पिरेंट. आज मैंने नॉन फिक्शन पर क्लास ली थी, ऑसम क्लास थी और बहुत ही अच्छी क्लास थी. ओके, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग कोड AKS राजवीर. गाइज AKS राजवीर आपके लिए कोड होगा एंड बाय अप्लाइंग कोड AKS राजवीर आप ले सकते हैं 20% का अभी डिस्काउंट, क्योंकि इस समय आपके लिए ये डिस्काउंट अवेलेबल है एंड यू विल गेट बोथ द पेपर्स एंड एवरीथिंग ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. जो भी क्वेरीज है प्लीज लास्ट में पूछिएगा, इन बिटवीन द क्लास नहीं पूछिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि फिर चीजें कंटिन्यू नहीं रह पाती. सो हेयर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स. व्हाई कुड द ऑथर्स इन 18th सेंचुरी एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट लिटरेरी स्टाइल. द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रोथ ऑफ द रीडरशिप एक्सपेंडेड द मार्केट फॉर द बुक्स एंड द अर्निंग्स ऑफ द ऑथर्स इंक्रीज्ड. राइटर्स बिकम फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन and the patronage of aristocrats. More and more rich people help authors to write novel, both A and B. Which one is the right answer? Please go for it guys. Hurry up. चलिए जल्दी से. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं यू कैन शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी आ जाएं और वो भी वॉच कर सकते हैं इस सेशन को. अच्छा सेशन है आपके लिए, ठीक है. चलिए, got it? Why could the author in 18th century experiment with different literary style? आपका आंसर क्या रहा है? Wow, most of the students D option select कर रहे हैं. Please, अच्छा A and B नजर आया, that's why they selected D option. But गलत भी तो हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी है कि नहीं D ही होगा? Yes, someone selected A option. थोड़ा fast कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है. चलिए, द राइट वन आंसर इज ए एंड बी. बिकॉज गाइस जो आपका नॉवल है ना, एक्चुअली में यहां पर लिखा होगा 18th सेंचुरी. एक्चुअली गाइस जो नॉवल है आपका वो 18th सेंचुरी से ही इंक्रीज्ड होता है ना. ड्यूरिंग 18th सेंचुरी यू हैव सीन राइज ऑफ नॉवल, फोर व्हील्स ऑफ नॉवल. ओके, सो ऑप्शन नंबर वन, ग्रोथ ऑफ रीडरशिप. यस गाइज, ग्रोथ ऑफ रीडरशिप जो 18th सेंचुरी में काफी ज्यादा ग्रो करती है. एक्सपेंडेड द मार्केट फॉर द बुक्स एंड अर्निंग ऑफ द ऑथर्स इंक्रीज्ड. दिस इज द वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट है. सेकेंड वन इज राइटर्स बिकेम फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल डिपेंडेंस. जो शेक्सपियर का टाइम पीरियड था, है ना, उस टाइम पीरियड में हमेशा क्या चाहिए होता था? पैट्रन चाहिए होता था. समवन शुड बी देयर जो सपोर्ट कर सके. ग्रेट, Someone should be there जो सपोर्ट कर सके. क्या सपोर्ट कर सके? ये सपोर्ट कर सके कि आप जो लिखते हैं उसके लिए फाइनेंशियली आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके. सो दैट्स वाई ए एंड बी बोथ आर द राइट. सो बोथ ए एंड बी राइट आंसर. नेक्स्ट वन देखें प्लीज.
फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इंग्लिश ऑथर वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप अ लिटरेरी सर्किल दैट रिजेक्टेड द विक्टोरियन टैबूज ऑन रिलीजियस आर्टिस्टिक सोशल एंड सेक्सुअल मैटर्स जॉर्ज ऑरवेल जॉन फॉल्स वर्जीनिया वुल्फ डी एच लॉरेंस हरी अप करके आंसर कीजिए प्लीज ऑल ऑफ यू देखिए गाइज जो भी लोग ये क्लास को देख रहे हो ये क्लास यूजीसी नेट यूपीएचईएससी टीजी सॉरी यूपीएचईएससी और इसके बाद एलटी ग्रेड एंड एमपी ग्रेड वन ग्रेड टू इसके लिए हेल्पफुल है ऐसे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है जहां वेरियस ऑथर्स पूछते हैं लाइक एनवीएस केवीएस एंड ऑल अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं सो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे नहीं तो नहीं लगेंगे ओके यस ठीक है हाँ और प्लीज एक मैंने आपसे ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि इतना बड़ा बड़ा मैसेज नहीं ड्रॉप किया जाता कि लंबा लंबा मैसेज डाले पड़े हैं है ना मैंने कहा ना लास्ट में पूछिए जो भी क्वेरीज हो प्लीज सो द राइट वन आंसर इज वर्जीनिया वुल्फ ठीक है राइट आंसर इज वर्जीनिया वुल्फ देखिए गाइस एक ग्रुप था जिसे हम ब्लूम्सबरी ग्रुप के नाम से जानते हैं देयर वॉज अ लिटरेरी ग्रुप दैट वॉज नोन एज ब्लूम्सबरी ग्रुप और ब्लूम्सबरी ग्रुप के साथ कौन एसोसिएटेड थी आपकी वर्जीनिया वुल्फ और इनके अदर ग्रुप के और भी मतलब राइटर्स थे देवर एसोसिएटेड विद ब्लूम्सबरी ग्रुप वाई गाइस दिस ग्रुप वॉज नोन एज ब्लूम्सबरी क्योंकि ये जो एक ग्रुप था ये गाइस लंदन के सॉरी इंग्लैंड के एक यू नो डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम था ब्लूम्सबरी डिस्ट्रिक्ट वहां पर सिचुएटेड था इस ग्रुप का पूरा सेंटर सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज है ना बिल्कुल ब्लूम्सबरी ग्रुप नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन फॉर यू सो हियर इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन दिस मैसिव नॉवल कंसिस्टिंग ऑफ 18 चैप्टर्स क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ वन सिंगल डे In the life of the protagonist Leopold Bloom, a sketch of the artist as a young man, Dubliners, Ulysses, Finnegan's Wake. Which one is the right one answer? Jaldi jaldi guys kijiyega, hurry up, all of you. बिल्कुल सीधे पढ़ाई पर देखिए please focus. पढ़ाई के बाद बातें की जाती है बेटा बस सिर्फ जब क्लास में आइए एक घंटे का मौका मिलता है ना हाँ So, जब एक घंटे का मौका मिले ना सो प्लीज यूटिलाइज इट है ना डू नॉट थिंक कि ये क्लास ऐसे ही चल रही है जस्ट थिंक ऑन इट एंड प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से ओके देखिए राइट आंसर इसके लिए कौन सा आएगा द राइट वन आंसर इज यूलिसिस है ना यूलिसिस यूलिसिस इज द वर्क दैट इज एसोसिएटेड विद जेम्स जॉयस गाइस जेम्स जॉयस ठीक है जेम्स जॉयस By the way, other work like Finnegan Wake, Dubliners, these are also associated with James Joyce, है ना? Yeah. और ये जो work है, आया कब था? ये 1922 के time period में आया था. The work is written in stream of consciousness technique. Stream of consciousness technique. Got it, guys? ये जो work है. और इसमें आपको one day की story मिलेगी, having 18 chapters. ओके एंड वन सिंगल डे इस पूरे नॉवल में एक दिन की पूरी कहानी आपको मिलती है ठीक है वन सिंगल डे एक दिन की पूरी कहानी आपको मिलती है गॉट इट ना यस दैट्स ग्रेट नेक्स्ट वन देखिए द फर्स्ट लॉन्ग नैरेटिव पोएम रिटन बाय चासर एज ये तो पोएम से आपका क्वेश्चन आ गया नॉवल वाला होना चाहिए बट ठीक है नो इशू ओके द फर्स्ट लॉन्ग नैरेटिव पोएम रिटन बाय चासर इज लॉन्ग नैरेटिव ही है ना रिटन बाय चासर इज द बुक ऑफ डचेस हाउस ऑफ फेम पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स ट्रुएलस एंड क्रेशेड मोनिका यूलिसिस ड्रामेटिक मोनोलॉग दैट इज बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन बेटा ठीक है दैट इज अ पोएम एंड वी वर टॉकिंग अबाउट अ नॉवल नॉवल बाय जेम्स जॉयस ठीक है हाँ चलिए जल्दी जल्दी आंसर करते चलिए प्लीज हरी अप ऑल ऑफ यू आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सच में और आप बहुत अच्छा करेंगे बस आप पढ़ते चलिए बस अपकमिंग एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे जस्ट अगर आप थोड़ा चलते रहे क्यों क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है और रुक गया तो गाड़ी कहां रह गई है ना यस राइट आंसर इज द बुक ऑफ डचेस द बुक ऑफ डचेस दिस इज द फर्स्ट लॉन्ग नैरेटिव पोएम
Got it? The first long narrative poem. And as I have already told, if a poem that is a long narrative one, it means क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई स्टोरी होगी और longer का मतलब उसमें कोई ना कोई स्टोरी को narrate किया जाएगा. ठीक है? Yes, स्टोरी को narrate किया जाएगा. That is great. Okay, yeah. Now I'm going to show you the next one question. So देखिए next one देखिएगा. Which of the following allegorical novel by William Golding features a group of boys stranded on a desert island? Lord of the Flies, Darkness Visible, Rites of Passage or Fire Down Below? Hurry up. All of right answer please jaldi se kijiyega. Hurry up karke. अगर आप राइट आंसर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिग्रिकल नॉवल बाय विलियम गोल्डिंग, आपको आंसर पता है ना इसका? बहुत ही इजी, बेस्ट क्वेश्चन है एवर. थैंक यू ज्योति फॉर द वंडरफुल इंफॉर्मेशन. यस, राइट आंसर इसके लिए कौन सा है? द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ना? किसका? विलियम गोल्डिंग का. विलियम गोल्डिंग वॉज द मैन जिन्हें 1983 के टाइम पीरियड में क्या मिला था, याद आ रहा है कुछ? इन द ईयर 1983 ही रिसीव्ड समथिंग. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज गाइस एक ऐसा वर्क है जो आर एम बैलेंटाइन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, बैलेंटाइन, आर एम बैलेंटाइन का कोरल आइलैंड, CORALISLAND, कोरल आइलैंड पर बेस्ड है ना? इवन अ फ्यू कैरेक्टर हैज ऑल्सो बीन डिराइव फ्रॉम कोरल आइलैंड, जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में आपको मिल जाएंगे. सेम 1983 इज द ईयर वेन ही रिसीव्ड नोबल प्राइज गाइज, ठीक है? यस, नोबल प्राइज, ग्रेट. यस, one more work is there, Darkness Visible. The title of this one work that comes from Paradise Lost, must remember guys, okay? Paradise Lost, is work ka title Darkness Visible. So the title has been derived from, yes, the title has been derived from Paradise Lost. Clear hai? Wow. Yes, Eleanor Word, yes, correct. This is, by the way, a dystopian novel, Lord of the Flies, है ना? Dystopian novel है, ठीक है? बिल्कुल, great, yeah, yes, yes, yes. देखिए अभी तक लाइक भी नहीं किया बच्चा पार्टी ने अपनी और शेयर भी नहीं किया. कल से मैं सोच रहा हूँ यूजीसी नहीं, कल से मैं टीजीटी पीजीटी पढ़ाऊं, कम से कम 200-400 स्टूडेंट्स लाइव तो आएंगे, है ना? अगर ये टीजीटी पीजीटी पढ़ा रहा होता तो एटलीस्ट 700 स्टूडेंट्स होते आपके, 600 to 700 स्टूडेंट्स. चलिए ठीक है. यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ बुक एंड ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन इट्स पब्लिकेशन वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इन 1989. Please, The Gate at the End of the World, Lady Chatterley's Lover, Song of Enchantment, The Satanic Verses. ठीक है, चलिए राइट आंसर कीजिए हरी अप करके फटाफट. चलिए राइट वन आंसर. देखिए प्लीज, ऑन अपकमिंग एग्जाम हो सकता है कि क्वेश्चन हो गाइस, है ना? आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है. अच्छा, लाइक के साथ साथ एक बार शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि थोड़ी सी मेरी मेहनत भी काम आती रहे मेरे. ठीक है, चलिए. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर? सो गाइस, द नेम ऑफ द ऑथर्स बुक, ऑथर ऑफ, यू नो, बुक एंड दोज, बाय द वे, सो गाइस, ये जो राइट आंसर है सैटेनिक वर्सेस है, सैटेनिक वर्सेस, एंड सैटेनिक वर्सेस के राइटर कौन है? सलमान रश्दी. सलमान रश्दी, अभी बहुत ही रिसेंटली एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, है ना? यस, किसी किन्हीं ने उन पर हमला करने की कोशिश क्या की थी, हमला किया था, अटैक किया था गाइस. सलमान रश्दी, सैटेनिक वर्सेस, दिस इज द वर्क जिनके लिए, है ना? करेक्ट, दिस इज द वर्क. नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये है,
कॉमन थिंग इन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम बटलर येट्स, रुडयार्ड किपलिंग एंड विलियम गोल्डिंग. What is the common among these writers? Check out these writers and check out these options and go through कीजिए फटाफट जल्दी से. Yes, सलमान रश्दी. Great. Okay. Right answer please. वाओ ग्रेट, हरी अप ऑल ऑफ यू. और बहुत ही अच्छी बात है कि आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया है गाइस. या ग्रेट, श्योर श्योर, जरूर जरूर, जल्दी लेंगे टीजीटी. यस सो गाइस, इसका राइट आंसर कौन सा है? ओके, द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज All of them received the Nobel Prize in literature. Correct? All of them, they received the Nobel Prize in literature, guys. ठीक है? Yes. All of them, they received the Nobel Prize in literature. सभी लोगों को literature का Nobel Prize मिला था. याद आ रहा है कुछ आपको? Yes. देखिए, G.B. Shaw मिला था ना? याद आया कुछ? William Butler Yeats, yes, मिला था ना? याद आ गया होगा. Rudyard Kipling, रुडयार्ड किपलिंग को भी मिला था. एंड विलियम गोल्डिंग, यस, ऑल ऑफ देम दे रिसीव्ड नोबल प्राइज इन लिटरेचर गाइस. ठीक है? यस, दे ऑल वर बोर्न इन आयरलैंड. नहीं, तो डब्ल्यू बी एट्स आयरलैंड वाले थे, है ना. मेंबर ऑफ द फैबियन सोसाइटी. फैबियन सोसाइटी के साथ गाइस आपके जीबी शॉ एसोसिएटेड थे. सर्वड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. सो सभी ने सर्व नहीं किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, है ना. यानी कि इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था. जैसे विलियम बटलर येट्स को ही देखें. Yes. Susan is a character in Virginia Woolf's novel Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, The Waves, or Lando. Right answer, please. Yes, 19. अरे Shah 1932, Yeats 1923. G.B. Shaw का गलत लिखा है क्या? या लप्पा प्लीज चेक कीजिए. हाँ हाँ, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज. अच्छा लगेगा मुझे भी. अरे विलियम गोल्डिंग का 1954, ये क्या है? यालप्पा आपके ऑप्शन गलत है, प्लीज चेक कीजिएगा वंस मोर. ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वन. सुसान इज अ कैरेक्टर इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल मिसेस डॉलोवे, टू द लाइट हाउस, द वेव्स, और लैंडो. करेक्ट आंसर प्लीज जल्दी से कीजिए आप. यस, राइट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन. सो देखिएगा राइट आंसर. राइट आंसर इज द वेव्स. द वेव्स इज अ नॉवल बाय वर्जीनिया वुल्फ. And the character Susan appeared in this particular work. हाँ, ये Mrs. Dalloway, ये भी इनका ही work है. To the Lighthouse, ये भी इनका ही work है. And Orlando is also the work by Virginia Woolf. ठीक है? Yes. This is also, these all are the work by Virginia Woolf. But character Susan appeared in The Waves by Virginia Woolf. By the way, ये Lighthouse जो है, ये बहुत important work है. इसके 1, 2, 3 सेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एज वेल एज इसके कैरेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज गो थ्रू दिस वन. नेक्स्ट वन, फ्रैंकेनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमेथियस, रिटन बाय मैरी शेली, इज अ व्हिच काइंड ऑफ नॉवल गाइस? फ्रैंकेनस्टाइन और मॉडर्न प्रोमेथियस, दिस इज व्हिच काइंड ऑफ नॉवल? पिकरेस्क, गॉथिक ट्रेजेडी, मर्डर मिस्ट्री. Yes. Yeah, guys. Please, जल्दी जल्दी आंसर करते चलिएगा फटाफट से. Wow, great. Okay, right answer of this one question, guys. So, जो आपका Frankenstein work है, so this is a picaresque novel. देखिए, जो फ्रैंकनस्टाइन है आपका, ये पिकरेस्क नॉवल तो है ही, साथ में और किस टाइप का है प्लीज आप देखिएगा. डिजिटल बोर्ड की तरफ देखिए प्लीज. फर्स्ट, जो फ्रैंकनस्टाइन है गाइस, दिस इज अ पिकरेस्क नॉवल, साइंस फिक्शन, इसे साइंस फिक्शन भी बोला जाता है. ठीक है? एंड एज वेल एज साइंस फिक्शन के साथ साथ ये एपिस्कलरी भी है.
एपिस्टलरी नॉवल भी है गाइस, ठीक है। यस, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप अपना चेक कर लीजिएगा। ओह सॉरी गाइस, पिकरेस्क नहीं है, प्लीज 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 प्लीज, हे गाइस प्लीज, पिकरेस्क नहीं, मतलब ये मेरा गॉथिक से मतलब था, ये पिकरेस्क नहीं, नो नो नो, इट्स गॉथिक नॉवल एंड गॉथिक नॉवल के साथ साथ साइंस फिक्शन एंड एपिस्टलरी नॉवल एज वेल, प्लीज माफ कीजिएगा। हाँ, सो दिस इज गाइज लाइक साइंस फिक्शन एज वेल एंड एपिस्टलरी नॉवल एंड गॉथिक नॉवल। ये रेड वाला जो है ना, इसे ब्लैक कर दीजिए, वो थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक से हो गया, ठीक है। हाँ, सो ये गॉथिक नॉवल भी है, एपिस्टलरी भी है और आपका साइंस फिक्शन भी है, ठीक। चलिए, अरे वो हो जाता है कई बार कंफ्यूजन, वो एक्चुअली मैं रेड था ना, सो मैंने रेड को देखा और फटाफट सोच लिया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ गोल्ड इट्स सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम द ट्रैवलर? व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ गोल्ड इट्स सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम द ट्रैवलर? अ सॉन्ग टू डेविड, अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, द प्रिंस। हरी गाइस, या इट्स गॉथिक गाइस, बिल्कुल। चलिए हरी अप करके फटाफट आंसर दीजिए, व्हाट इज द सब टाइटल, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ गोल्ड स्मिथ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द ट्रैवलर? हा यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वाओ ग्रेट सुपर, अपने अपने अकॉर्डिंग के आंसर है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर दूंगा, या ओके ठीक है। देखिए गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो है अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। जितने लोगों ने बी सी डी और ए बी किया हो सबका गलत है, अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यस, अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, दिस इज व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम एंड दैट इज द ट्रैवलर, द ट्रैवलर गाइज। सो द ट्रैवलर का एक और सब टाइटल क्या है, अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यस, अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, दिस इज द राइट वन आंसर। सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा ये वाला सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, आपको कुछ और याद आया होगा, क्या याद आया सोचिए एक बार, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड चेक कीजिए, प्लीज प्लीज चेक कीजिए एक बार, आप चेक करें आपको पता चल जाएगा कि आप क्या बता रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, Which of the following novel focuses on Winston Smith and his attempt to rebel against the totalitarian state in which he lives? The Invisible Man, then we have 1984, The War of the Worlds, Animal Form. ओके यस, आंसर कीजिए। फॉलोइंग नॉवल फोकसेस ऑन विंस्टन स्मिथ, आपके लिए देखिए कीवर्ड है, बहुत ही इजी वाला कीवर्ड है, कैसे आप समझेंगे इसे, आपको डायरेक्टली समझ लेना था यहां से विंस्टन स्मिथ के साथ, है ना, विंस्टन स्मिथ। अनदर वन कीवर्ड आपको इसमें जो मिलता है दैट इज टोटलिटेरियन, दीज आर द टू कीवर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ दीज टू वर्ड्स आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। 1984 जिसमें आपको विंस्टन स्मिथ नजर आता है। हाँ, बाय द वे एक चीज और मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी आप पिछला वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे थे ना, ये वाला, जैसे इसमें मैंने आपसे कहा ना द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये एक्चुअली में ओलिवर गोल्ड स्मिथ के साथ ही एसोसिएटेड वर्क है, है ना, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यस, नेक्स्ट वन आ जाइए, आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। यस, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, कौन कौन से मेंबर्स थे, प्लीज डू सिलेक्ट। बिग ब्रदर, टोटलिटेरियन, यस, या पब्लिश 1949, हरी अप करके आंसर कीजिए बिल्कुल जल्दी जल्दी। वाह सुपर, एग्जाम में भी ऐसा ही आंसर आना चाहिए, यहां तो ठीक है जो भी है,
द राइट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया, चलिए जल्दी से कर लीजिए प्लीज आंसर, है ना? यस ओके। मेंबर्स ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, गाइस कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में है ना, यस तीन लोगों को शामिल किया गया था, और कौन कौन से थे वो तीन लोग? हैजलिट, हंट, कीट्स। हैजलिट, हंट एंड कीट्स गाइस, ठीक है? यस हैजलिट, हंट एंड कीट्स कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री गाइस, ठीक है? यहां पर देखिए लेहन, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं, जॉन कीट्स, पीबी शैली, लॉर्ड बैरन नहीं, लेहन, जॉन कीट्स, विल्फ्रेड ओवेन नहीं, आंसर इज डी। सभी लोग धोखा खा गए ना, अभी तो कह रहे थे बड़ा इजी क्वेश्चन है, कहां गया अभी जी, है ना? मैंने देखा था, यस मैंने देखा था, कुछ बच्चों ने कहा था ओ दीज आर द टू इजी क्वेश्चंस, ये इजी है, बड़ा इजी तो क्वेश्चन है लेकिन आपने इजी आंसर नहीं किया है ना। यस सो हैजलिट, हंट एंड कीट्स ये थे आपके कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से एसोसिएटेड, ठीक याद आ रहा है कुछ? ओ माय गुडनेस, नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ हार्डीज नॉवल डज द कैरेक्टर सोरो अपीयर, इन विच ऑफ हार्डीज नॉवल द कैरेक्टर सोरो अपीयर, राहुल राहुल नहीं है क्या? राहुल राहुल ओके गाइस, ओह मैं राहुल को बुलाने चला गया था, बुलाना पड़ता है। राइट आंसर या सिली मिस्टेक, सिली बच्चा पार्टी, ग्रेट है भाई, सिली मिस्टेक एंड सिली बच्चा पार्टी। सो टेस ऑफ डर्बोविल गाइस, है ना, टेस ऑफ डर्बोविल इज द वर्क जिसमें शौरो नाम का कैरेक्टर आपको नजर आता है, ठीक है? यस और ये शौरो किसका नाम रहता है? ये गाइस सन रहता है किसका? टेस का, जिसकी डेथ हो जाती है बाद में, ठीक? यस सन इलिजिटिमेट चाइल्ड आप बोल सकते हैं, ये चाइल्ड का नाम था, है ना, इलिजिटिमेट चाइल्ड, चाइल्ड का ही नाम था ये, ठीक है? टेस्ट ऑफ डर्बोविल, दिस इज द राइट आंसर, टेस्ट ऑफ डर्बोविल बाय थॉमस हार्डी, ओके। एंड बाय द वे अदर वर्क्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद हार्डी, लाइक पेयर ऑफ ब्लू आईज, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ज्यूड द ऑब्स्क्योर, दिस इज द लास्ट वन वर्क, करेक्ट? इसके बाद थॉमस हार्डी ने लिखना बंद कर दिया। अंडर द ग्रीन वुड ट्री द टाइटल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, एंड अ पेयर ऑफ ब्लू आईज इसके जैसा ही एक और वर्क है, दैट इज ब्लूएस्ट आईज, है ना? या मार्लॉट इज द सेटिंग, यस यस मार्लॉट इज द सेटिंग ऑफ द वर्क। नेक्स्ट वन, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टोपियन नॉवल, प्लीज चेक एन आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टोपियन नॉवल, द स्लीपर अवेक्स, 1984, रिडले वॉक, एनिमल फार्म, आंसर कर डालिए, सभी हार्डी का है। अच्छा ये बात है, हाँ सभी हार्डी का ही है, थॉमस हार्डी का है। आज आप लोगों में से मतलब इंथ्यूजियाज्म नहीं नजर आ रहा है, कल मेरी क्लास बडीज 8 PM TGT के लिए होगी, क्योंकि ये UGC नेट वाले बच्चे सब बिल्कुल लो लो नजर आते हैं मुझे, सच में बिल्कुल मतलब लो लो नजर आते हैं। अभी ये TGT PGT वाली होती मजा आ जाता, तो कल मैं प्लान कर रहा हूं TGT के लिए मस्त वाली क्लास। चलिए हाँ, सो राइट वन आंसर इज गाइस राइटले वॉक, है ना? यस रिडले वॉक, दिस इज नॉट अ डिस्टोपियन नॉवल गाइस, है ना? यस ठीक है, या राइटले वॉक नहीं गाइस, अगर इसे राइटले वॉकर कर दीजिए सो देन ये रसेल होबिन का एक नॉवल हो जाता है जो डिस्टोपियन नॉवल है, करेक्ट? यस
सो अगर वॉकर होती तो फिर ये डिस्टोपियन नॉवल हो जाए, लेकिन वॉक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ डिस्टोपियन नॉवल. रिमेनिंग लाइक स्लीपर अवेक्स, 1984, एनिमल फॉर्म, दीज ऑल आर द डिस्टोपियन नॉवल. सो अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं एनडीए के अपियर होने, वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर गाइज, एंड वॉट इज दैट, एटलीस्ट आपको यूटोपियन और डिस्टोपियन नॉवल पढ़ करके ही जाना चाहिए, है ना? यस. हाँ, क्लास का टाइम क्या है सर, प्लीज बताएं. 8 PM है, 6 PM और अनअकैडमी ऐप फॉर यूजीसी नेट, 8 PM ऑन यूट्यूब फॉर यूजीसी नेट. आते नहीं है बच्चे तो क्या करूं मैं, हैं तो बहुत सारे वैसे. ओहो, द फर्स्ट सेकुलर यूजेस ऑफ द टर्म इपिफैनी, ये इपिफैनी का यूज किसके साथ नजर आता है? ओह वाओ, सखी साक्षी सिंह, यस, ग्रेट गाइज, यस, वेलकम. हरी अप कर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए. मैंने वैसे शो कर दिया था, द राइट आंसर इज जेम्स वॉयस, है ना? इपिफैनी गाइज, इपिफैनी का मतलब होता है कि एक ऐसा चेंज जिसके वजह से इंटायर लाइफ, जो कैरेक्टर होता है उसकी इंटायर लाइफ चेंज हो जाती है गाइज, है ना? यस, इंटायर लाइफ उस सडन यू नो गाइस रियलाइजेशन, एक होता है ना एक सडन रियलाइजेशन जिससे उसकी इंटायर लाइफ चेंज हो जाती है, और जेम्स वॉयस ने इसे यूज किया था. इपिफैनी इज द टर्म. नेक्स्ट वन, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रॉफी, मेटाथेसिस, मेटोनमी, आर्केइज्म. ये तो बहुत इजी है भाई, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, लग जाओ जल्दी से, है ना? यस, आज तो बहुत भूख लगाई है, बिलीव मी बहुत ही ज्यादा भूख लगी है बिल्कुल, लेकिन ये क्वेश्चन खत्म करने हैं और जल्दी से जाना है, फिर मैं खाऊंगा. भूख लग जाती है ना सुबह से, 9 AM से स्टार्ट करो और 9 PM तक सुमीन से भूख लग जाती है ना. यस, जब आप 10 से 12 घंटे कंटिन्यूअसली लगे रहो अपनी ड्यूटी में, सो दैट इज वॉट गाइज की आपको काफी मेहनत करनी पड़ जाती है. मेटोनमी इज द राइट आंसर, है ना? यस, मेटोनमी एंड साइनक डकी, दो गाइज आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपको कंफ्यूज कर लेते हैं, है ना? यस, सो एक होता है गाइज पार्ट प्रेजेंट होल एंड होल प्रेजेंट पार्ट्स, और एक होता है गाइज क्या, एसोसिएशन, यानी कि जो बहुत ही नियर वर्ड होता है उसको यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं चेंज ऑफ नेम. चेंज ऑफ नेम, नेम बदल देना, चेंज ऑफ नेम. ओके, नेक्स्ट वन देखिए, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय वर्जीनिया वुल्फ वाज पब्लिश्ड पोस्थमसली. वाओ, सुपर क्वेश्चन गाइस, द नॉवेल वाज पब्लिश्ड पोस्थमसली एसोसिएटेड विद वर्जीनिया वुल्फ. जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, ये तो आपके लिए बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन है ना, कमजोर दे दिया क्या. चलिए जल्दी से देखिए, आंसर करते हो ना, क्वेश्चन नंबर नहीं डालते, गलत बात है भाई, विद क्वेश्चन नंबर, ठीक, विद क्वेश्चन नंबर प्लीज, तब आंसर किया जाता है. हो वाह, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, चलिए कोशिश कीजिए, चैलेंज फॉर यू, एक चॉकलेट इनाम है इसमें, इस क्वेश्चन का सही आंसर देने पर एक चॉकलेट इनाम में रख दी जाए. रख दी जाए क्या? अरे दैट्स व्हाई यू फीलिंग लो. अच्छा भैया, मैं आपसे तो ज्यादा ही तेज नजर आ रहा हूं, लो आप हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा ही फास्ट नजर आ रहा हूं, ठीक है? अपना थोड़ा ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए. मेरा तो ऐसा है कि मैं सुबह से शाम तक एवरीडे काम करता हूं, मैं बिल्कुल भी लो नहीं हूं, लेकिन आपके रिस्पॉन्सेस बड़े धीमे धीमे हैं गाइस. बेट बीन द एक्स, है ना? बेट बीन द एक्स इज द राइट आंसर. दिस इज द वर्क जो पब्लिश हुआ था पोस्थमसली कब, 1941 में, करेक्ट ना? यस, मिसेस डॉलोवे 1925, टू द लाइट हाउस 27, ऑरलैंडो 28, है ना? यस, अ बुक लेंथ एसे रूम ऑफ वंस ऑन 1929. सो दीज आर द इयर्स जो आप वर्जीनिया वुल्फ के साथ दे सकते हैं, करेक्ट है ना? बिल्कुल, यू कैन सी विद वर्जीनिया वुल्फ, एंड दिस इज द वर्क दैट वॉज पब्लिश्ड पोस्थमसली. और पोस्थमसली का क्या मतलब होता है? आफ्टर डेथ, है ना? यस, आफ्टर डेथ,
थोड़ा खा पी करके आया कीजिए, आप लोग बड़े कमजोर कमजोर से नजर आते हैं, एंड आई रियली डोंट लाइक दैट. द ग्रेप्स ऑफ रैथ इज रिटन बाय जॉन स्टीनबेक, एफ स्कॉट फिट्जेराल्ड, गर्ट्रूड स्टाइन, नथानिएल हैथोर्न. ये तो बहुत इजी है ना, बहुत इजी, सुपर इजी, प्लीज सुपर इजी. आ जाओ जल्दी से आंसर करो फटाफट प्लीज. एनटीए के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वहां पर लगता है कि ओ माय गॉड, पता नहीं कहां से नाम ढूंढ के लाए हैं, पता नहीं कहां से राइटर ढूंढ के लाए हैं, और कौन है ये. चलिए देखिए राइट आंसर देखिएगा, जॉन स्टीनबेक है ना, ए इज द राइट आंसर. द ग्रेप्स ऑफ रैथ आंसर इज जॉन स्टीनबेक. एक चीज में देख रहा हूं, अरे वाह, किसी का सही आंसर नहीं है. आई एम सो हैप्पी, वन मे स्माइल एंड स्माइल एंड बी अ विलेन. द राइट आंसर इज जॉन स्टीनबेक गाइस, इनका वर्क है द ग्रेप्स ऑफ रैथ. This is the work written by Steinbeck, है ना. अरे वाह, ज्यादातर स्टूडेंट नथानिएल हैथोर्न हैथोर्न हैथोर्न. गलत मत कीजिए बच्चा पार्टी, है ना. हाँ, और गर्ट्रूड स्टाइन को तो इनका जो वर्क है ना वो स्कारलेट लेटर है, ठीक है. गर्ट्रूड स्टाइन ये लॉस्ट जेनरेशन के लिए जाने जाती हैं, ठीक है, लॉस्ट जेनरेशन. एफ स्कॉट फिट्जेराल्ड, सो एफ स्कॉट फिट्जेराल्ड का गाइस कौन सा है, ग्रेट गैट्सबी. याद नहीं रखते हो, बस वही हाल है ना. ग्रेट गैट्सबी याद रखना सीख लो, ठीक है, याद रखना सीख लो बिल्कुल, क्योंकि याद नहीं तो मामला ठीक नहीं. हु आउट ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी आर्टिस्ट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, एंड वॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स. कौन था भाई, जल्दी से देखिए. हरी अप ऑल ऑफ यू प्लीज, बच्चा पार्टी. और बच्चा पार्टी का राइट आंसर बस ऐसे ही घूम रहा है, गोलू गोलू सा, है ना. तो गोलू गोलू सा राइट आंसर मतलब ओके. राइट आंसर देखिए जल्दी से, ये वाला राइट आंसर है टी एस एलियट, थॉमस स्टर्न एलियट. थॉमस स्टर्न एलियट, इन्होंने क्या कहा था, कहा था डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स. रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है. चलिए, टू प्रोमिनेंट फिगर ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आर रोलैंड बार्थ एंड एडवर्ड साइड, रोलैंड बार्थ एंड जैक्स डेरिडा, जैक्स डेरिडा एंड फर्डिनेंडी शेश्योर, फर्डिनेंडी शेश्योर एंड सिगमंड फ्रायट. प्लीज आंसर 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 जल्दी जल्दी. क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, वाह ग्रेट. कुछ याद नहीं आ रहा है, अच्छा, तभी तो मैंने कहा कि आप लोग लो हैं, बैटरी चार्ज करके आया कीजिए, अपने आप को प्लग पे लगा करके खूब अच्छे से चार्ज कर लिया करिए, फिर आया कीजिए, है ना. यस ओके, राइट आंसर इज रोलैंड बार्थ एंड जैक्स डेरिडा, बोले तो झक्कास डेरिडा. जैक्स डेरिडा, One of my friend, he used to say झक्कास डेरिडा, है ना. Yes, and Roland Barthes, both of them they were post structuralist, है ना. Structuralist के बाद post structuralist. Answer कर लिया, अच्छा, Ferdinand Schirrer. Structuralism के बारे में आप answer कर पा रहे हैं ना, Jacques Derrida and Ferdinand Schirrer associated with structuralism. Implied reader is a term introduced by Wolfgang Ischer, Neith Brook, Ferdinand Schirrer और Roland Barthes. जल्दी आंसर कीजिए, हरी अप प्लीज. 21 क्वेश्चन नंबर, चलते चलो, है ना, बिल्कुल. जैसे आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो मेरा तो मन करता है, पता है.
जब आप सभी का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मेरा उस समय पता है क्या मन करता है, बताऊं क्या आपको? हाँ बोलिए, ईमानदारी से बता दूंगा अगर आप कह देंगे कि बता दीजिए। जैसे ही आपका क्वेश्चन गलत होता है तो मेरा मन करता है कि आपको एक तवे पे बैठाया जाए, है ना, तवा नॉन स्टिक वाला हो, तवा नॉन स्टिक वाला हो, और उसमें नीचे से थोड़ी सी फायर बर्न एंड कल्ड्रन बबल टाइप, है ना, थोड़ी सी नीचे से आग लगा दी जाए और फिर उस पे इस पर आपको बैठा दिया जाए, कैसा लगेगा? मुझे लगता है बेस्ट रहेगा, है ना, मस्त एकदम रहेगा इस पर, तो उछलते हुए फिर आंसर सारे याद हो जाएंगे। उछलते हुए पूरे के पूरे आंसर याद हो जाएंगे, पूरे के पूरे समझ लीजिए। हाँ यस, आइए देखिए, चलिए राइट आंसर की तरफ चलिए। ये तो थी मेरी कहानी, माइंड मत कीजिएगा प्लीज। वुल्फ गैंग एशर, गाइस, वुल्फ गैंग एशर, ठीक है। एक्चुअली ये जो टर्म है ना, हंस लीजिए थोड़ा सा, हंस लीजिए प्लीज, हंस लीजिए, हंसने से थोड़ा स्ट्रेस निकलता है ना बाहर। वुल्फ गैंग एशर गाइस, सो इन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन डोंट वरी, वेन सी वू WWYNENCBOOTH बूथ गाइस, इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन करने का मतलब इन्होंने लेटर ऑन इंट्रोड्यूस किया, है ना, यस। टाटा बाय बाय हो जाएगा हमारा फिर। मजेदार नहीं था क्या? अरे बहुत जबरदस्त था, समझ लीजिए आप एक बार। देखिए जब भी आपको लगे कि आपको हंसने का मन है तो आप इसी बात को याद कीजिएगा, मेरी इसी बात को याद कीजिएगा कि एक दिन राजवीर सर ने ऐसा कहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देख लीजिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग डिस्कोर्सेस विद इन एनी फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक एक्टिविटी सच एज नेशनल लैंग्वेज, अ नॉवल और अ स्पेसिफिक कन्वर्सेशन इज कॉल्ड हेट्रोग्लोसिया, हर्मेनिटिक्स, डेनोटेशन, सर्कमलोक्यूशन। यस, पॉसिबिलिटी तो है या यस। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 22, द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग डिस्कोर्सेस विद इन एनी फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज सच एज नेशनल लैंग्वेज, नॉवल, स्पेसिफिक कन्वर्सेशन इज कॉल्ड, दैट इज नोन एज हेट्रोग्लोसिया गाइस, दैट इज नोन एज हेट्रोग्लोसिया, है ना, यस, हेट्रोग्लोसिया, है ना, गॉट इट ना, हेट्रोग्लोसिया इज द टर्म, ओके। सो बाय द वे, हेट्रोग्लोसिया मुझे लगता है मिखाइल बत्तिन ने दिया था, इजंट इट, मिखाइल बत्तिन, मिखाइल बत्तिन ने इस टर्म को शायद परहैप्स दिया था। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच क्रिटिक आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्सप्रेस्ड द थियरी दैट द टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग ईच टीचर विल फॉर द मोस्ट पार्ट हैव टू डेवलप फॉर हिमसेल्फ। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लग रहा है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं। यस सर, ग्रामर भी रंजीत सिंह की आती है, अरे देवी मार्केट में पता कर लीजिए, अभी तक टीजीटी पीजीटी की बुक ही नहीं ले पाए, यस, है ना, या ओके। देखिए इसका राइट आंसर है आपके लिए, बिल्कुल सही आंसर, F.R. लेविस। हाँ, अरे वाह, बहुत डिफिकल्ट है ना। समवन वाज सेइंग सर कद्दू क्वेश्चन लेकर आए हो फॉर एनटीए, लुक लाइक हियर इज द कद्दू ऑन स्क्रीन, है ना, यस, किसी ने बोला था सर बड़ा सस्ता क्वेश्चन ले आए हैं, है ना, यस, कहते हैं बड़ा सस्ता क्वेश्चन लेकर आए, सो हियर लुक एट द स्क्रीन, ये देखिए सस्ता क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे कहते हैं गच्चा खा गए। खैर कोई बात नहीं, आप लोग अगर कुछ भी गलत करते हो मीन्स आप सही भी कर लोगे। F.R. लेविस इज द राइट आंसर, द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ईच टीचर विल फॉर द मोस्ट पार्ट हैव टू डेवलप फॉर हिमसेल्फ, दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद F.R. लेविस। वाओ ग्रेट, नेक्स्ट वन, चार्ल्स डिकेंस क्रिटिसाइज नॉट जस्ट द ग्रीड फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो द आइडियाज दैट रिड्यूस्ड इन ब्लैंक स्पेस इन टू सिंपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, सिटीज, मशीन्स, ह्यूमन बींग्स।
हे बडीज प्लीज राइट आंसर. ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए है एंड प्लीज गो. बस ये समझ लीजिए कि आपके लिए ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है समझ लीजिए. एंड नेक्स्ट डे प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन मी लाइव ऑन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप एट 6 PM फॉर ऑल द यूजीसी नेट एस्पिरेंट. चलिए आइए जल्दी से देखिए. हरी अप ऑल ऑफ यू. तो देखिए राइट आंसर इसके लिए क्या होगा. हियर इज द राइट आंसर. ओ माय गुडनेस, ये राइट आंसर रहा गाइस. ह्यूमन बीइंग्स. ओ ह्यूमन बीइंग्स, यस. हाँ, चार्ल्स डिकेंस क्रिटिसाइज्ड नॉट जस्ट द ग्रीड फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो द आइडियाज दैट रिड्यूस्ड ह्यूमन बीइंग इनटू सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. गॉट इट? यस, अच्छा लग रहा है. ग्रेट, वंडरफुल, सुपर्ब. और अगर क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा था तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा सेशन को, है ना. शेयर तो नहीं करेंगे, वो तो मुझे पता है, कसम खा के बैठे हैं, लेकिन लाइक कर दीजिए, है ना, मेरी खुशी के लिए. फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ दीज इन्फ्लुएंशियल 20th सेंचुरी ऑथर्स वॉज नॉट आयरिश बोर्न. जेम्स जॉयस, बर्नार्ड शॉ, विलियम बटलर येट्स, विलियम गोल्डिंग. ये बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जल्दी जल्दी कीजिए, फटाफट फटाफट जल्दी से. जैसे ही क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन में दिखे वैसे ही आपको आंसर कर देना चाहिए. अरे इधर भूख, अब मैं दिखा नहीं सकता, पेट बिल्कुल सिकुड़ गया है, ये देखिए बिल्कुल सिकुड़ गया है, ब्लीक. लेकिन अब मैं क्या करूं, ड्यूटी इज ड्यूटी, है ना. ये तो मोरल ड्यूटी है बच्चों की, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाना, बच्चे कॉन्फिडेंस फील कर पाए और क्रैक भी करें एनटीए को, है ना. यस बडीज, राइट आंसर इज विलियम गोल्डिंग. विलियम गोल्डिंग इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है. विलियम गोल्डिंग क्यों? अरे ये भी आयरिस, ये भी आयरिस, ये भी आयरिस. भैया हम आयरिस नहीं है. ये बोले भैया हम इंग्लैंड से हैं, है ना. आई एम नॉट फ्रॉम आयरलैंड, इंग्लैंड, है ना. सो विलियम गोल्डिंग. सो आपके लिए एक चीज मैं कहूं, ठीक है. यस एक चीज इंटरेस्टिंग वाली बात मैं कह दूं, लास्ट में कह देता हूं इसलिए क्योंकि वो कहना जरूरी होता है. जरूरी ये है कहना कि या हाँ, जरूरी क्या था कहना आप, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था. At the end of this session, it's my humble request. Do not forget to drop your feedback, जो मेरे लिए बहुत helpful होता है. कोई चीज है उसके improvement के लिए, है ना. This was the last question and thank you so much. And those who are preparing for TGT, PGT, UGC NET or any other exam, है ना, जो ऐसा type का exam हो. And TGT, PGT, LT grade guys and Jharkhand TGT, PGT and UGC NET, UPHESC courses. आपको ये सारे courses मिल जाएंगे. If you wish to get 9125090515 पर आपको क्या करना है, अपना name and course name, course का नाम बस drop कर देना है. अगर हमारे पास उसका कोर्स, पेड कोर्स अवेलेबल होगा, पेड वाला, तो आपको डेफिनेटली जानकारी आ जाएगी. अगर नहीं होगा तो नहीं आएगी, ठीक है. यस, सो थैंक यू सो मच. बाय गाइज एंड टेक केयर. अपना रखिएगा ख्याल, है ना. यस होता है तो आप हंसते हैं, राइट, होता है तो हम हंसते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है. इस क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं इसको स्क्रीनशॉट भी तो कर सकूं, अच्छे से मैं पढ़ करके आंसर भी आपके दे सकूं, ठीक है. यस, सो थैंक यू सो मच बडीज एंड टेक केयर, गुड नाइट. हाँ, कोई ऐसा था इस क्लास में जो बहुत परेशान था, सर मैं आपसे नाराज हूं, सर आप क्वेश्चंस का आंसर नहीं करते. बेटा समझिए, मान लो आप क्लास में पढ़ाने गए, आपका पहला दिन था क्लास में, जैसे ही आप पहुंचे, हे ये बता दीजिए सर, सर ये बता दीजिए, सर मैं भी हूं, सर मेरा ये आंसर दीजिए, पढ़ाने के काबिल रह जाओगे? अगर पढ़ा सकते हो सो देन इट मींस यू आर ग्रेट. भगवान हो सकते हैं, ह्यूमन बींग तो होंगे नहीं आप, है ना. लेकिन जब कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो उसे शांति से सुनते हैं, चिल्लाते नहीं है, अपनी बातें नहीं झेलते, ठीक है. इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए.
टीचर आपको पढ़ाने के लिए आया है, 1 घंटे पढ़ाएगा आपको, पहले वो 1 घंटे बातें कर ले आपसे, इस बात का ध्यान रखिए। सर आई एम योर टीजीट इंग्लिश स्टूडेंट, राइटर्स पे जो पहले प्ले है उसमें अलग अलग डेट बताई गई है, सही है कौन सी? जिस भी वीडियो को देखेंगे उस वीडियो में आपको बताया गया होगा क्या सही है क्या गलत है, किस चीज को करना है किस चीज को नहीं करना, उसी सेम वीडियो में बातें आपको बताई जाती है। बेटा वीडियो पूरे देखिए, वीडियोस पूरे देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है बेटा? करेक्ट। अब चले, बहुत हो गया गाइस। हाँ सही कहा आपने कि बिल्कुल आंसर नहीं करते हमारे, हाँ भैया बात तो सही है। अगर इस चैनल पर 1,27,000-28,000 सब्सक्राइबर मुझसे सभी प्रश्न करने लगे तो मैं प्रश्न देने लायक रहूंगा, स्वयं विचार कीजिएगा, ठीक है? यस। तो मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम क्या है? ध्यान से पढ़ना, जो चीजें जहां बताई जाती हैं उनको फॉलो करना। एक दिन में ज्ञानी बनकर के डायरेक्टली प्रोफेसर नहीं बन जाओगे, धीरे धीरे किसी को फॉलो कीजिए, उसको सुनिए, उसको समझिए, देन आप ज्ञानी बनोगे बेटा, ठीक? चलिए बहुत हो गई बातें और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना रखिए ख्याल, जय हिंद जय भारत, है ना? हर जगह सवाल पूछने की नहीं होती, हर जगह बात ही करने की नहीं होती, सारी चीजों की लिमिटेशन होती है बच्चा पार्टी, ठीक? यस, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, मिलेंगे फिर आपसे।